सब्सक्राइब कीजिए साइबोटेक एजुकेशन ग्रुप चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप कंप्यूटर एजुकेशन से रिलेटेड सारे वीडियो सबसे पहले देख सकें। हेलो व्यूअर्स एंड फ्रेंड्स, साइबोटेक एजुकेशन ग्रुप में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। पिछला वीडियो मैंने पीसी मेंटेनेंस से रिलेटेड डाला था, जिसमें मैंने बताया था कि कैसे आप अपने डिस्क को, मतलब कि हार्ड डिस्क के ड्राइव्स को क्लीन कर सकते हैं, कैसे आप टेम्पररी फाइल्स मिटा सकते हैं। आज उसी के आगे का सेक्शन है। मैं फिर से डिस्क पीसी खोल रहा हूं और यहां पे अब सपोज ये एक फोल्डर है, एक ड्राइव है। मैंने इस पे अपोजिट क्लिक किया और यहां से प्रॉपर्टीज में मैं गया और यहां से मैं चला गया जनरल टैब में। देखिए, कंप्रेस कर देते हैं इसको। कंप्रेस कर देने से क्या होता है, जैसे ही ओके करेंगे, अप्लाई चेंजेस टू ड्राइव एफ एंड सब फोल्डर्स, ये यही रखिएगा, ताकि सिर्फ एफ ड्राइव कंप्रेस ना हो बल्कि उसके अंदर का फोल्डर, उसके अंदर का सब फोल्डर, उसके अंदर का सब फोल्डर और उसके अंदर का डिफरेंट फाइल्स, ये सारा चीज कंप्रेस हो जाए। इससे क्या होगा, कंटिन्यू कीजिए, इससे ये होगा कि समय जो भी लगे लेकिन आपके ड्राइव का स्पेस, जो कि अगर दिखा रहा होगा कि फुल है 200 GB, तो वो कम जाएगा। तो आप कम स्पेस में भी काम चला सकते हैं। सवाल यहाँ पे है कि कैसे आप कंप्रेस करेंगे। मैंने पिछले बार वाले में ये दो टॉपिक्स बताया था, आज यही दो टॉपिक्स मैं इसके आगे के टॉपिक्स को मैं कवर करना चाहूँगा। आप कैसे, हाउ टू कंप्रेस एनी डिस्क, एक्चुअली एनी डिस्क नहीं, एनी ड्राइव। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने कुछ किया नहीं, बहुत सिंपल सा चीज था। ओपन किया माई पी सी, अपोजिट क्लिक किया, ऑन द टारगेट ड्राइव सेलेक्ट किया, प्रॉपर्टीज टैब क्लिक किया, टैब जनरल को क्लिक किया बटन, हाँ यहाँ पे जब मैंने दिस पी सी में जब आया तो यहाँ पे अपोजिट क्लिक करके जब मैं प्रॉपर्टीज में गया था तो यहाँ पे कंप्रेस दिस ड्राइव टू सेव डिस्क स्पेस चेकबॉक्स को मैंने चेक किया था। तो यहां से थोड़ा सा, यहां से मैं क्या करूंगा, अब चेक द चेक बॉक्स ऑफ कंप्रेस द डिस्क ड्राइव। देख लीजिए, आपके सामने वही चीज है, कंप्रेस दिस ड्राइव टू सेव डिस्क स्पेस। मैं थोड़ा सा इसको कंप्रेस दिस ड्राइव टू सेव द डिस्क स्पेस, इसको चेक किया और चेक करने के बाद मैंने क्या किया था, चेक करने के बाद मैंने ओके पे क्लिक कर दिया था। चेक करने के बाद मैंने यहां से क्लिक ओके किया था, क्लिक कंटिन्यू किया था और सेलेक्ट किया था रेडियो बटन, सेलेक्ट द रेडियो बटन ऑफ कंप्रेस ड्राइव
सब फोल्डर्स एंड फाइल्स ऐसा कुछ कर दिया था, और उसके बाद मैंने ऐसा करने के बाद मैंने क्लिक किया था ओके बटन को। तो आप पाएंगे कि इस ढंग से आपका ड्राइव जो है, ये देखिए यहाँ कंप्रेस हो भी गया, आपका ड्राइव जो है वो कंप्रेस हो गया। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। अब इसके बाद जो है मैं फिर से दिखाना चाहता हूँ कि अब जैसे आप दिस पीसी पर आपने डबल क्लिक किया, यहाँ पे सपोज चलिए एफ ड्राइव पे ही मैं काम कर रहा हूँ, अपोजिट क्लिक मैंने किया और यहाँ के बाद मैं प्रॉपर्टीज में गया, ठीक है। यहाँ देखिए टूल्स है, यहाँ आप चेक कर लें, चेक बटन पर जैसे ही मैंने क्लिक किया अब मैं टूल्स टैब में हूँ। तो अब ये जो है स्कैन ड्राइव कर रहा है, किस ड्राइव को, जिस ड्राइव पे मैंने अपोजिट क्लिक किया था। अब वो उस ड्राइव को चेक करेगा और आपको बतलाएगा कि उस ड्राइव में एरर है या नहीं है। देखिए अभी स्कैन कर रहा है और ये आपका कंप्लीट हो गया। क्या दिया, विंडोज सक्सेसफुली स्कैन द ड्राइव, नो एरर्स वेयर फाउंड। अगर एरर्स होता तो यहाँ दिखा देता, आप यहाँ शो डिटेल्स पे क्लिक करते आपको सारा एरर पता चल जाता। तो ये कैसे आप एरर चेक करेंगे, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, हाउ टू चेक एरर्स इन द डिस्क। तो इसके लिए मैंने क्या किया, इसके लिए मैंने सबसे पहले ओपन किया, सबसे पहला काम जो मैंने किया वो मैंने ओपन किया माई पीसी। उसके बाद वहां पे जिस ड्राइव को यहां डिस्क वर्ड आप मत यूज कीजिए, यहां पे आप ड्राइव वर्ड यूज कीजिए, मैंने अपोजिट क्लिक किया अपोजिट क्लिक ऑन द ड्राइव दैट इज टू चेक फॉर द एरर। क्लिक प्रॉपर्टीज ऑप्शन, सामने बहुत सारा टैब आएगा, उसमें से क्लिक टूल्स टैब, ठीक है। जैसे ही ऐसा आएगा क्लिक चेक नाउ। देखिए मैं दूसरे ड्राइव को चेक करके बता रहा हूं, यहां शुरू से, यहाँ दिस पीसी को मैंने डबल क्लिक किया ताकि वो खुल जाए। चलिए जी को चेक करना है, अपोजिट क्लिक किया मैंने जी पे, मैं प्रॉपर्टीज में गया, यहाँ ये बहुत सारे टैब के साथ खुला है, जनरल टैब के बारे में मैंने बता दिया है, टूल्स में आया, यहाँ चेक पे क्लिक किया, अब ये चेकिंग शुरू हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं क्या होता है, यहाँ तक तो मैंने लिख दिया क्लिक चेक बटन, क्लिक चेक, चेक किया है भाई, तो अपने आप में एक तरह का बटन है। अब जैसे ही ऐसा मैंने किया तो ये स्कैन ड्राइव का ऑटोमेटिक ऑप्शन आ गया, तो स्कैन ड्राइव पर क्लिक कर दीजिए, क्लिक स्कैन ड्राइव,
ऐसा करने से ये स्कैनिंग चालू हो गया। देखिए अब ये जो भी समय लेगा, यहाँ भी एरर फाउंड नहीं हुआ, नहीं तो यहाँ शो डिटेल्स पे आपको डिटेल्स दिख जाता। एरर अगर होगा तो शो डिटेल्स आप कर सकते हैं। ओके फाइनली तो आपको ओके करना ही है। इफ देयर इज एनी एरर please click the link please click the link show details Finally, click OK. तो ये आपके सामने आ गया। ये finally click OK बटन जो है, ये सब जगह आपको करना ही पड़ेगा, हर जगह पे close window ये वो करना होगा। बहुत सिंपल सा चीज है। अब ये सब एक्शन इवेंट खुल गया है, इसको मैं बंद कर दे रहा हूं। तो मुझे ये उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज 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 लाइक शेयर करना ना भूलें, दोस्तों को बतलाएं कि साइबोटेक एजुकेशन ग्रुप नाम का एक यूट्यूब चैनल है, आपका अपना चैनल है, इस पर आके वीडियो देखें। रेगुलरली मैं वीडियो डालता आ रहा हूँ इस चैनल पे, और अलग अलग तरह का वीडियो मैं डालूंगा। अभी विंडोज़ का वीडियो, इससे पहले बहुत सारा एडवांस वीडियो डाला था, फंडामेंटल्स का वीडियो मैंने डाला, टैली का डाला, अकाउंटिंग का डाला, अभी विंडोज़ का वीडियो डालना शुरू कर रहा हूँ, फिर वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट का भी डालूंगा। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, जो दोस्त लोग हैं उन लोगों को बताएं प्लीज़। ओके थैंक्स थैंक्स अ लॉट।